अगले साल के लिए जो आपने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है 11% का, आज मैं अभी अभी एक दो दिन पहले आया है 11.5% का, और आपने ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है 11% 11.5% का, IMF का है, आपने ग्रोथ प्रोजेक्शन 11% दिया है, कैसे हासिल होगा और किन किन सेक्टर से आएगा? अभी कई सेक्टर्स में रिकवरी आनी बाकी है, तो आपको लगता है कि 11% अचीवेबल टारगेट है? जैसे आपने देखा होगा पिछले करीब 5-6 महीनों में जो रिकवरी आई है, जो वी शेप्ड रिकवरी आई है, उससे एक काफ़ी अच्छे संकेत मिले हैं कि आगे चल के भी जो ये जो मोमेंटम आई है ये जारी रहेगी। इसमें आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है काफ़ी अच्छी वृद्धि आई है, और सर्विसेज में भी आप देखें तो केवल एक दो सेक्टर को छोड़ के, जिनमें जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर जैसे हम कहते हैं, उन सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सेक्टर्स में वृद्धि अच्छी आई है। तो मेरा अनुमान है कि इन सेक्टर्स में तो जो वृद्धि है वो जारी रहेगी, लेकिन वैक्सीनेशन के चलते जब लोग वैक्सीनेट होंगे और जो महामारी की जो डर है वो कम हो जाएगी, तो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में भी वृद्धि जो आ सकती है। और जो चूँकि इन चीज़ों में जो पेंट अप डिमांड है टूरिज़्म के लिए और ट्रैवल के लिए, और जैसे मसाज सर्विसेज हैं, ऐसे कैसे काफ़ी सारे, तो इनमें पेंट अप डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आएगी तो इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से आएगी। तो इस साल चूँकि वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मेरा अनुमान है कि इन सब को मिलाते हुए 11% ज़रूर बनना चाहिए।